किसान भाइयों बहनों नमस्कार स्वागत है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान भाइयों बहनों जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारियाँ देते रहते हैं उसी कड़ी में सबसे पहले आइए जानकारी लेते हैं कृषि समाचार एवं मंडी भाव के बारे में किसान भाइयों और बहनों नमस्कार स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर सीमैप ने तैयार की अश्वगंधा की नई किस्म जन संरक्षण में मददगार साबित हो सकती है ड्रिप सिंचाई और खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होने से पैदावार बढ़ी अब समाचार विस्तार से केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीमेप की एक वैज्ञानिक ने लंबे शोध के बाद अश्वगंधा की एक नई प्रजाति सिम तैयार करने में सफलता प्राप्त की है राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान सफलतापूर्वक इस वैरायटी की खेती कर रहे हैं सीमैप एप की एक डॉक्टर के अनुसार इस वैरायटी में विधानोलॉइड ए की मात्रा एक प्रतिशत तक होती है जबकि कुल विधानोलॉइड आठ प्रतिशत तक पाया जाता है उन्होंने बताया कि इस वैरायटी में पौधों की जड़ों से काफी अधिक मात्रा में पाउडर प्राप्त होता है जिससे किसानों की आय बढ़कर दोगुनी हो सकेगी प्रदेश सरकार जल संरक्षण की तकनीक पर काफ़ी जोर दे रही है ड्रिप सिंचाई इस अभियान में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है राज्य सरकार इस योजना में अनुसूचित जाति के किसानों को नब्बे फीसद तक छूट दे रही है ये बातें राज्य के कृषि मंत्री ने किसान मेले में बताई देश में रासायनिक उर्वरकों के अधाधुंध इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मृदा परीक्षण को लेकर एक अभियान चलाया गया जिसके सकारात्मक परिणाम देश के सभी हिस्सों में देखने को मिले अब देश में न केवल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हुआ है बल्कि खेतों की उपजाऊ क्षमता बढ़ने से फसलों में पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताज़ा मंडी भावों की गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा आगरा दो हज़ार प्रति क्विंटल मथुरा 2000 कानपुर 2040 और पीलीभीत में दो हज़ार प्रति क्विंटल चावल का भाव इस प्रकार रहा आगरा दो मथुरा 2560 कानपुर 2350 और पीलीभीत दो हज़ार तीन प्रति क्विंटल सरसों का भाव इस प्रकार रहा आगरा तीन हजार मथुरा तीन हजार कानपुर चार हज़ार एक सौ रुपये और पीलीभीत में चार हज़ार दो सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा आगरा आठ सौ पचास रुपये मथुरा नौ सौ पचास कानपुर एक हज़ार और पीलीभीत में नौ सौ सत्तर रुपये प्रति क्विंटल प्याज की कीमत इस प्रकार रही आगरा दो हज़ार एक सौ नब्बे रुपये प्रति क्विंटल मथुरा एक हज़ार नौ सौ अस्सी कानपुर दो हज़ार चार सौ और पीलीभीत में एक हज़ार आठ सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव मौसम समाचार के साथ पुनः उपस्थित होंगे तब तक आप जानकारी लें पशु सुरक्षा के संबंध में जी 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 किससे बात कर रहे थे इतना हास समाचार मंडी भावों के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान भाइयों बहनों आज हम बात करेंगे पशु सुरक्षा के बारे में पशु सुरक्षा कैसे हम करें किस तरह से करें कितने बेहतर तरीके से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं उनको रोगों से कैसे बचा सकते हैं उनको हम कई तरह की बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं कब उनको कितनी मात्रा में आहार देना है कई तरह की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम उपस्थित हुए हैं और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप यादव जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं मेडिसिन राय बरेली से सर आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार सर सबसे पहले ये जानकारी दीजिए कि पशु सुरक्षा से संबंधित सरकार इस समय क्या कर रही है क्या कोई योजनाएं चला रही है किसान भाई बहनों हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारी सत्तर फीसदी आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जो कि कृषि पर आधारित है और पशुपालन का हमारी अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा अहम योग है योगदान है इस महत्वता को समझते हुए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है जैसे कि पशुगणना हर प्रत्येक पाँच वर्ष में सरकार कराती है टीकाकरण उसके अलावा उनका दवाइयाँ जो कि हमारे निकटतम पशु चिकित्सालय में एवं अन्य डिस्पेंसरीज में निःशुल्क उपलब्ध हैं और इसके अलावा घर घर जाकर आप जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 फरवरी 2019 को एन यानी कि नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का शुभारंभ किया था जिसके तहत किसान के द्वार पर जाकर के टीकाकरण की सुविधा मुहैया कराई जा रही है इस समय जो है पशुओं को कौन कौन से बीमारियों का टीकाकरण कराया जा रहा है सरकार की तरफ से देखिए विभिन्न पशुओं में अलग अलग बीमारियां हैं और उन सभी का अलग अलग तरीके से टीकाकरण अलग अलग समय में सरकार अपने निकटतम पशु चिकित्सालय एवं किसान के द्वार पर करवा रही है जैसे कि बड़े जानवरों में अगर हम गाय या भैंस की बात करें तो उनमें जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो कि बहुत ही जानलेवा एवं ख़तरनाक बीमारियाँ हैं जिसमें कि एक जैसे कि एच यानी कि हीमोरजिक सेप्टीसीमिया जिसे हम गला घोटू भी कहते हैं उसका टीकाकरण होता है इसके अलावा उनमें खुर पका पका यानी एफ एम डी फुट एंड माउथ डिसीज़ इसका टीकाकरण होता है इसके अलावा ब्लैक वाटर जिसे हम लोग बोल चाल की आम बोलचाल की भाषा में लंगड़ी कहते हैं उसका टीकाकरण होता है इसके अलावा रेबीज़ जो किसी पागल कुत्ते या गांव में सियार या फिर किसी भी जंगली जानवर जो कि रेबीज़ से ग्रसित हो उसके काटने से होता है उसका भी निःशुल्क टीकाकरण करवाया जाता है इसके अलावा जो छोटे पशु हैं जैसे भेड़ बकरी इत्यादि इनमें पी पी आर पेस्टिड डेस्पेटिड रूमनेंट्स ये एक बीमारी होती है उसका जो कि बहुत ही विस्तृत रूप से फैलती है भेड़ और बकरियों में इसका टीकाकरण होता है इंटेरोटॉक्सीमिया एक बीमारी होती है इसका टीकाकरण होता है इसके अलावा जो कुक्कुट पालन मुर्गी पालन है उसमें रानी खेत जिसी इसका भी टीकाकरण होता है हमारे यहाँ उसके अलावा अगर शुकर पालन करते हैं तो उनमें तो स्वाइन फीवर का टीकाकरण होता है पशुपालकों के लिए डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है या एक कह सकते हैं कि जो सस्पेंस होता है उनके मन में कि इनको जो है कैसे सुविधा प्राप्त हो टीकाकरण की सुविधा कहाँ से प्राप्त हो कैसे प्राप्त हो तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे देखिए हमारे किसान भाई बहनों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारी सरकार अब पशुपालक के द्वार तक जाकर के टीकाकरण की सुविधा मुहैया करा रही है जिसमें कि एक पशुपालन की पूरी टीम उसके साथ पैरावैक्स पैरावेट्स होते हैं जो टीकाकरण करते हैं इसके अलावा बायफ के कर्मचारी ये घर घर जाकर निशुल्क टीकाकरण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं इसमें जो मुख्यतः बीमारियां हैं बड़े जानवरों में जैसे कि भैंस में एफ यानी कि खुरपका मुंह का टीकाकरण ये किसानों के द्वार पर या उनके निकटतम पशु चिकित्सालय में मई मार्च और अप्रैल के महीने में होती है इसके बाद इसी टीका इसी बीमारी का टीकाकरण दोबारा हम लोग करवाते हैं जो कि अक्टूबर के महीने अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है साल में दो बार इसको सरकार करवाती है निशुल्क टीकाकरण इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है गला घोटू ये बीमारी मुख्यतः पशुओं में बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसमें महेश वंशी यानी बफलोज भैंसों में ज़्यादा होती है और बाकी गायों में भी ये पाई जाती है तो इसका टीकाकरण हमारी सरकार मई जून के महीने में शुरुआत इसका कर देती है जो कि जुलाई अगस्त तक के लिए चलता है तो हमारा पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि कि इन बीमारियों का जरूर से जरूर से टीकाकरण करवाएं। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि आ, हमारी सरकार जो है घर घर तक खुद जो ऐसी सुविधा जो है पहुंचा रही है अच्छा जो छूट जाए पशुपालक भाई उनके लिए क्या सुविधा है मतलब वो क्या करें अगर ना करवा पाए जो समय से अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करें वो देखिए उस स्थिति में भी हमारे किसान भाई बहनों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय पे वहाँ संपर्क कर सकते हैं या पशु सेवा केंद्र होता है वहाँ संपर्क कर सकते हैं जहाँ पे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो आपकी पूर्ण मदद करेंगे और सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें अपने पशुओं को रोग से मुक्ति दिलानी है जिसका सबसे अच्छा टीकाकरण एक ने एक तरीका होता है जो हमारे पशुपालक छोटे पशुपालक हैं जो छोटे ने जैसे कि भेड़ बकरी इनको पाल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके भी पूरे जहाँ पे उनका एक फार्म है वहाँ पर जा कर के भी करते हैं अगर किसी का भी ने फार्म या उसका घर छूट जाता है तो तुरंत बताएं जिसमें कि भेड़ों को अगर बीमारी है तो खुरपका मुँह के साथ साथ उनको हमें पी समस्या के टीकाकरण जरूर करवाए क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि अगर एक बकरी या एक भेड़ को भी होती है तो वहां समूह में रहने वाले जितने भी भी हैं हैं उससे धीरे धीरे सभी अफेक्टेड अच्छा, हो जाते इंफेक्शन का जो है बिल्कुल बिल्कुल एक बीमार पशु से बीमारी दूसरे पशु में स्वस्थ पशु में बहुत तेजी से फैलती है इसलिए हमें सारे पशुओं को जितने भी हमारे पास हैं उनको सभी को टीकाकरण करवाना चाहिए और ये टीकाकरण एकदम सुरक्षित है इनसे कोई दिक्कत नहीं बस कुछ चीजों का विशेष हमें ख्याल रखना होता जी, है जी वही मैं जानना चाह रहा था कि क्या मतलब टीकाकरण करवाते समय किन किन चीजों का जो पशुपालक भाइयों ध्यान रखें और जो है क्या सावधानियां बरतें जी देखिए पशुपालक भाइयों को कुछ चीजों का विशेष ख्याल रखना है हमारी सरकार अब टीकाकरण करवाते करवाने के बाद उनका एक कार्ड भी बनाती है जिसमें कि उनकी सारी ही डिटेल नोट करी जाती है विवरण उनका पूरा रहता है तो इसलिए पशुपालक भाई को जब भी कोई भी उनके पास टीकाकरण की टीम आती है या कोई भी व्यक्ति टीकाकरण करने के लिए आता है सरकार द्वारा तो उसको पशु की एज यानी उम्र उसकी अवस्था वो प्रेग्नेंट है या नहीं है वो गाभिन है या नहीं है उसके बारे में उसकी कब आखिरी बार कृत्रिम गर्भाधान हुआ था इसके बारे में उसका जन्म कब हुआ उसका कितनी बार वो बच्चे पहले दे चुकी है व्याप्त जिसे कहा जाता है उसके बारे में कितना वो दूध देती है या दूध नहीं देती है इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ये जो टीकाकरण होता है इसमें जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग डोज है जो कि और कुछ टीकाकरण थोड़े से जब जब शरीर के अंदर जाते हैं तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होते हैं वो चुन चुनाते हैं तो उससे हमारे कुछ पशु थोड़ा सा परेशान होते हैं तो हमारे कुछ किसान भाई बहन उसको देख के घबरा भी जाते हैं और टीकाकरण के लिए मना भी करते हैं कि ना करें तो मैं ऐसे किसान भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ये बस एक छड़ी कुछ देर के लिए होता है ये हर पशु में होता भी नहीं है इसीलिए हम लोग पशु को टीकाकरण करने से पहले उसकी उम्र जरूर पूछते हैं क्योंकि जो बड़े जानवर हैं जैसे कि गाय भैंस इनमें जो इनके बछड़े हैं या इनकी उम्र अगर छः महीने से कम है या चार महीने से कम है तो हम लोग उनको टीकाकरण नहीं करते हैं इसके अलावा जो भी गाभिन पशु हैं खासकर जो आखिरी ट्राइमेस्टर में लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब आठ महीने की गाभिन हो गई है उसको हम लोग टीकाकरण नहीं करते हैं तो ये सब जानकारी आपको देना बहुत ही अति आवश्यक हो जाती है। अच्छा ऐसा क्या मतलब प्रेग्नेंट पशु जो है उनको टीकाकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसा है क्या डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता है कि प्रेग्नेंट पशु को टीकाकरण नहीं किया जा सकता है लेकिन कुछ बीमारियों में हम लोग करते हैं कुछ बीमारियों के टीकाकरण में नहीं करते हैं तो बाकी हमने जैसे आपको पहले भी बताया है कि कुछ टीका लगने के बाद थोड़े से थोड़ी देर के लिए वो जब शरीर में खाल के नीचे या मांस में जो टीका लगता है तो वो थोड़ा देर अन्य दर्द करता है तो उस वजह से पशु थोड़ा परेशान होता है वो उछल कूद भी करता है जिसकी वजह से अगर गाभिन पशु है प्रेग्नेंट एनिमल है तो उसको कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो पशु वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसलिए हम लोग सुरक्षा को देखते हुए कुछ पशुओं को टीकाकरण नहीं करते हैं जिनकी या फिर सलाह उनकी नहीं देते हैं कि इनको अभी आप ना करवाएं और ये जब टीकाकरण का जब उनका या अगर गाभिन है तो बच्चे देने के बाद आप हमें अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में बताएं और फिर से पुनः पशुपालक के द्वार पर जाकर के उसका टीकाकरण हो जाता है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं जी बिल्कुल अगर बात कर रहे थे हम जैसे पर तो टीकाकरण का जो संबंध है वो डायरेक्ट है हमारा रोग से जी तो कहते हैं कि क्यों दवाओं की जरूरत पड़े अगर अगर उससे पहले हम सावधानियां बरत लें जी तो उसके लिए हम डॉक्टर साहब ये बताइए पशुपालक भाइयों को कि रोग नियंत्रण के लिए क्या स्वच्छ आवास और संतुलित आहार का जो है कुछ महत्व है मतलब इसमें कितनी मात्रा में जो है ये लोग भोजन ग्रहण करें या आवास कैसा होना चाहिए इनका तो इसका कितना महत्व है जी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और स्वच्छ आवास स्वच्छ पानी ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है चाहे वो इंसान हो या जानवर दोनों के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ आवास जो है आधी बीमारियों को तो ऐसे ही खत्म कर देता है इसलिए मेरा किसान भाई बहनों से अनुरोध है कि स्वच्छ आवास और स्वच्छ पानी को बिल्कुल ध्यान रखें हम जो दूषित पानी से या फिर दूषित जगह पर रहने से बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे हमारे किसान भाई बहन एक बहुत समस्या रहती है खासकर गर्मियों के महीने में जैसे किल्ली चपटी लग जाना टिक्स एंड माइटेस्टेशन का हा, हा, बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये एक गंदगी में ज़्यादा रहने की वजह से भी ऐसा होता है इससे कैसे बचाव करें सबसे ज़रूरी चीज़ कि इनमें कीटनाशक कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको शरीर पर लगाने के लिए भी आती हैं या फिर जो पेट के कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए डिवर्मिंग जैसे कहा जाता है वो भी आती है हमारे किसान भाई बहन अगर अपने निकटतम पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें तो उन्हें ये दवाइयाँ सभी उपलब्ध हैं उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बरसात का सीज़न आने वाला होता है तो उससे पहले हम लोग कीड़े की दवा पशुओं को ज़रूर खिलाते हैं तो मेरा यही सभी किसान भाइयों से कहना है कि इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें टीकाकरण अवश्य कराएं साथ में कुछ अगर उन्हें कोई भी दिक्कत लग रही है जैसे कि अब ये गर्मी आ रही है तो गर्मी में पशु का हाँफना या ज़्यादा परेशान हो जाना या दूध की कमी होना या फिर एक थैनैला रोग जो कि खासकर गंदगी की वजह से ज़्यादा फैलता है क्योंकि थैनैला एक बैक्टीरियल है इसकी वजह से दूध भी जो दूध में भी कमी आती है डॉक्टर बिल्कुल ये आपको मैं इस बात पे विशेष जोर देना चाहूंगा कि थनैला एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे मिल प्रोडक्शन का हमारे दूध उत्पादन का या फिर किसान का जो नुकसान होता है तकरीबन 40 फीसदी नुकसान जो है वो इसी बीमारी से है ये इतनी बड़ी बीमारी है जिसका क्योंकि थनैला जो थन में होने वाली एक समस्या है जिसका सीधा सा, असर पड़ता है दूध उत्पादन पर यह दो तरीके की होती है इसे अंग्रेजी में मेस्टाइटिस कहते हैं और ये दो तरीके के इसमें सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस और एक होती है क्लिनिकल मेस्टाइटिस मुख्यता रूप से ऐसे तो इसके कई रूप हैं लेकिन मुख्यता रूप से ये दो रूप में है सब क्लिनिकल और सब क्लिनिकल में मेस्टाइटिस में क्या है कि इसमें दुग्ध उत्पादन कम होता है ये इसमें थन में कोई भी विकृति किसी प्रकार की आपको नहीं दिखाई देगी जिसको किसान भाई बहन नहीं समझ पाते उन्हें लगता है कि

थन का आकार बड़ा हो जाना या फिर थन को छूते समय दूध गारते समय पशु को दर्द होना तो इसलिए पशु बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देता दूध गारने पे या फिर दूध में थोड़ा खून आना या मवाद आना या फिर दूध सा दूध ऐसा आना ये सब उसके लक्षण हैं थनेला रोग के अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो तुरंत निकटतम अपने पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें क्योंकि थनेला एक ऐसी बीमारी है जो कि थन को अफेक्ट करती है थनों को ही वो प्रभावित करती है अब दुग्ध उत्पादन थन अगर गड़बड़ हो जाएगा थन में अगर कोई भी प्रकार के विकृति या कमी आएगी तो दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ तक कि पशुओं में ऐसा भी होता है कि थनैला अगर ज़्यादा भयंकर रूप में होता है तो वो बिल्कुल दूध देना बंद कर देते हैं और कभी कभी थनैला की वजह से थन हमेशा के लिए ख़राब भी हो जाते हैं अगर उनका सही समय पर इलाज नहीं हो पाया तो फिर ये पशु दूध उत्पादन के लिए कोई यूज के नहीं रह जाते हैं डॉक्टर साहब गर्मी आ रही है जी। एक जवाब चाहिए कि गर्मी आ रही है और गर्मी में जो है आ, क्या मतलब सावधानी बरतें हमारे पशुपालक भाई देखिए हमारे पशुपालक भाइयों को गर्मी में विशेष ख्याल रखने हैं जैसे कि उन्हें छायादार जगह पे अपने पशुओं को बांधना है उनके लिए ठंडे जल की व्यवस्था देखिए एक वयस्क पशु तकरीबन पचहत्तर अस्सी लीटर पानी एक दिन में पीता है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसके पास पानी ठंडा पानी और साफ पानी मैं फिर से जोड़ दूँगा ठंडा एवं साफ पानी जरूर रहे क्योंकि गंदे पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि मैंने आपको बताया जो पहले भी कि वो सब जनित होती हैं उनकी वजह से आती हैं तो गंदा पानी या फिर गंदा भोजन जिनका जो भी खाने का बर्तन होता है या आपने हौदे बना रखे हैं तो या माँ है उनको नियमित रूप से साफ़ भी करते रहें उनकी धुलाई भी करें फिर उनमें एकदम स्वच्छ हरा चारा गर्मी में खासकर उनको हरा चारे की पूर्णता उनको हर रूप से अवेलेबल रहे हरा चारा दो तरीके का एक फल फलीदार एक बिना फलीदार आप हमारे किसान भाई बहनों को अगर चाहिए कि अगर दोनों का मिश्रण हो तो और अच्छा है इसके अलावा मिनरल मिक्सचर मिनरल मिक्सचर जिसे ने अगर मिलता है तो इससे पशुओं को रोग में लड़ने की क्षमता बढ़ती है उनका बॉडी डेवलपमेंट उनके शरीर का विकास अच्छा होता है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि उनको जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है दूध उत्पादन को वो भी बढ़ाता है हमें इन सब चीज़ों को गर्मियों में सबसे ज़्यादा क्योंकि पशुपालकों के सामने दूध उत्पादन की कमी होना है। गर्मी में एक बहुत बड़ा समस्या सामने आती है धन्यवाद डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत तो जैसा कि किसान भाइयों बहनों आपने जाना पशु पशु सुरक्षा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप अपने दैनिक जीवन में इसका भरपूर लाभ उठाएंगे आशा हम यही करते हैं प्रस्तुत है मौसम समाचार पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान सत्ताईस डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान पंद्रह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान बीते दिनों के मुकाबले दो डिग्री सेल्सियस अधिक तथा न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस कम रहा किसान भाइयों और बहनों आपको सलाह है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए गेहूं की फसल में निरंतर रतुआ रोग की निगरानी करते रहें काला अथवा भूरा तत्वा दिखने पर प्रोपिकोनोजल एक ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें परिपक्व सरसों की फसल की कटाई तथा गहाई का कार्य करें चने की खेती में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमान प्रपंच तीन से चार प्रपंच प्रति एकड़ की दर से उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 40 से 50 प्रतिशत तक फूल खिल गए हों साथ ही टी अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत में विभिन्न स्थानों पर लगाएं तो ये थी कृषि दर्शन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारी कल फिर भेंट होगी नए अंक के साथ तब तक के लिए अनुमति दीजिए नमस्कार